हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सभी आप लोग जानना चाहते हैं। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि सर बताइए एम्स में कितनी सैलरी मिलती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एम्स में कितनी सैलरी मिलती है। जैसे मेरा एम्स एम्स जम्मू है तो उसके अंदर क्या सैलरी होगी और एम्स दिल्ली के अंदर क्या सैलरी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हमारी बेसिक पे। बेसिक पे तो नर्सिंग ऑफिसर आते हैं लेवल 7 के ऊपर और उनकी बेसिक पे होती है 44,900। ठीक है, यानी कि 44,900 44,900 रुपये उनकी बेसिक पे होती है। ठीक है, और अभी उनको मिलने लगा है डीए, जो बढ़ चुका है, डीए परसेंट जो बढ़ चुकी है वो हो गई है 46%। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए बढ़ के हो चुका है 46%। तो हम 44,900 का 46% हम निकालेंगे तो ये आता है हमारे पास 44,900 का 46%, ये हो जाता है हमारा 20,654 रुपये। 20,654 रुपये। तो इतना अभी डीए बढ़ चुका है। इसके अलावा हमें मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस जो कि मिलता है अगर एक्स सिटी है उसमें 3600 रुपये, और अगर वाई सिटी है तो उसमें 1800 रुपये। ठीक है, ये यानी कि आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं डी ऑन टी ए। ठीक है, डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस ये कितना होता है? तो हमारे अगर देखा जाए 1800 का 46%, 1800 का 46%, तो ये हो जाएगा 1800 का 46%, ये हमारा हो जाएगा 828 रुपये। यानी कि एम्स जम्मू में हमें मिलेंगे 828 रुपये, और वहीं अगर हम एम्स दिल्ली में हैं तो हमें मिलेंगे 3600 का 46%, यानी कि 1656 रुपये। 1656 रुपये ये आपको एम्स दिल्ली मिलेंगे, ये आपको वाई कैटेगरी के एम्स में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एचआर, हाउस रेंट अलाउंस ये कितना होता है, एचआरए कितना होता है? तो एचआरए एक्स वाई जेड कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है। वाई कैटेगरी के अंदर ये मिलता है 18%, जेड कैटेगरी के अंदर ये आपको मिलेगा 9%, और एक्स कैटेगरी के अंदर आपको ये मिलेगा 27%। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो 27% यानी 44,900 का 27%, 44,900 का 27% ये होता है 12,123 रुपये, 12,123 रुपये। ठीक है, ये तो आपको एम्स दिल्ली के अंदर मिलेगा, वहीं आपको एम्स जम्मू के अंदर ये मिलेगा 44,900 का 18%, ये मिलेगा आपको 8,082 रुपये। ठीक है, ये आपको वाई कैटेगरी के एम्स या फिर एम्स जम्मू के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग अलाउंस। ठीक है, ये आपका फिक्स होता है हर जगह, ये मिलता है आपको 7,200 रुपये। कोई सा भी एम्स हो आपको ये 7,200 रुपये फिक्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं ड्रेस अलाउंस। ठीक है, तो जो ड्रेस अलाउंस होगा वो होता है 1,800 रुपये, 1,800 रुपये आपको ड्रेस अलाउंस देखने को मिलेगा। प्लस में और कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारी सैलरी के अंदर जो देखा जाता है वो देखने को मिलता है 10%, 10% और एक
14%, ठीक है, जो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो ये 10% ये आपकी सैलरी में से कटेगा जो मैं उधर बताऊंगा, और ये 14% है ये आपकी सैलरी में ऐड होगा जो गवर्नमेंट देगी, जिसको भी ये बाद में काट लेगी, ठीक है। तो ये मिलता है जो 14%, ये कैसे कटता है, ये आपकी बेसिक बेसिक प्लस डीए को मिला के उसका 14% कटता है, ठीक है, उसका 14% कटता है। तो ये होता है आपका 44,900 प्लस में 20,654, इसका 14% कट जाएगा। और ये आपका 9,177 रुपये, 9,177 रुपये, ये पहले आपकी ग्रोस सैलरी के अंदर ऐड होगा, उसके बाद कटेगा। तो यानी कि आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी होगी, ग्रोस सैलरी आपकी निकल के आएगी 44,900 प्लस में 20,654 प्लस में 1,800 प्लस में 828 प्लस में 8,082 प्लस में 7,200 प्लस में 1,800, ठीक है। और साथ में आपका ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी आपकी सैलरी में ही काउंट होता है, ये होता है 9,177 रुपये, ठीक है। तो यानी कि एम जम्मू के अंदर आपकी जो ग्रोथ सैलरी रहेगी वो रहेगी 94,441। ये सैलरी अब हुई है, पहले ये 92 होती थी, अब ये हो गई 94,441, क्योंकि डीए एंड जो आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो भी उसके हिसाब से बढ़ गया है इस वजह से, लेकिन उतना ही कटेगा भी, वो भी ध्यान रखना। अगर एम्स दिल्ली में ग्रोस की बात कर लें तो आपके ग्रोस जाएगी, सिर्फ इन दोनों का फर्क पड़ेगा, किसका, एक तो एचआरए का, एक इसका और एक इसका, इनका फर्क पड़ेगा। तो ये सैलरी आपकी हो जाएगी 44,900 प्लस में 20,654 प्लस में 3,600 प्लस में 1,656 प्लस में 12,123 प्लस में 7,200 प्लस में 1,800 प्लस में, और आपका 9,177, 9,177। तो एम्स दिल्ली के अंदर जो ग्रोस सैलरी अब हो जाएगी वो हो जाएगी 1,01,000, ठीक है, 1,11,110 रुपये, ठीक है। इतनी आपकी एम्स दिल्ली के अंदर सैलरी अब ग्रोस हो जाएगी, ग्रोस सैलरी अब कटेगा। अब डिडक्शन आपके क्या क्या होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रैक्टिशनर टैक्स होता है वो, ठीक है, 208 रुपये पर मंथ कटता है, ठीक है। दूसरा आपका कटेगा ईएचएस, ईएचएस आपका 650 रुपये कटेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका कटेगा वो कटेगा एनपीएस, ठीक है, 10% आपकी तरफ से, 14% गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ से दिया था वो पूरा का पूरा ये वापस ले लेंगे। ये होगा आपका 9,177 रुपये, और आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो रहेगा आपकी डीए प्लस बेसिक का, यानी कि 44,900 प्लस में 20,654 का 10%, ये रहेगा 6,555 रुपये, 6,555 रुपये, ठीक है। उसके अलावा आपका टीडीएस टैक्स कटेगा, ठीक है, टीडीएस जो कि लगभग, अगर आपकी जैसे आपकी ग्रोस 1,11,100 रुपये हो रही है, ठीक है, 1,11,100 रुपये हो रही है, तो ये सैलरी आपकी जो ग्रोस अप्रोक्स 12 लाख से ऊपर चली जाएगी, और 12 लाख से ऊपर लगभग 20% टैक्स कटता है, 20% टैक्स कटता है। और एम जम्मू में जो कि आपकी सैलरी अप्रोक्स 12 लाख से थोड़ी सी कम रहेगी, इसमें आपका 15% टैक्स कटेगा,
है, 15% टैक्स कटेगा। तो यानी कि अगर आपकी ग्रोस 94,441 है, 94,441 गुना 15 ठीक है, तो आपकी जितनी सैलरी, मतलब कि जितनी सैलरी टैक्स फ्री है, उसके ऊपर से जो भी 15% टैक्स है वो कटेगा आपका। तो टैक्स फ्री अब शायद गवर्नमेंट ने 7 लाख तक कर दिया है, ठीक है, 7 लाख तक कर दिया। तो 7 लाख से जितने भी ऊपर आपकी सैलरी बन रही है उसके ऊपर टैक्स कटेगा। तो आपकी जो सैलरी हो रही है 94,441 गुना 12, ये आपकी जा रही है 11,33,000, ठीक है, साल की पर एनम 11,33,000। इसमें से आप 7 लाख हटा भी लें, तो आपका 4,33,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स लगभग 15% जाता है। हाँ तो यानी कि ये टैक्स जो रहेगा आपका वो 6,499 के आसपास रहेगा, 6,400 के आसपास ये टैक्स आपका रहेगा, ठीक है। एम जिले में टैक्स ज्यादा कट सकता है, ठीक है, इतना मान के चले यानी कि 6,000 के अप्रोक्समेट टैक्स कटेगा। पहले ये 4,500 के अप्रोक्स में कटता था, अब देखते हैं गवर्नमेंट किस हिसाब से टैक्स काटती है, हम दोनों का हिसाब देख के चल लेते हैं। ठीक है, तो आपके डिडक्शन हुए टोटल, जो आपके डिडक्शन है वो हुए 208 प्लस 650 प्लस 6,555 प्लस 9,177 प्लस आपके अगर 6,000 रुपये हम काउंट करके चलते हैं, ठीक है, तो टोटल 22,590 का टैक्स कट जाता है, 22,590 का टैक्स कट जाता है। तो यानी कि आपकी ग्रोस 94,441 में से 22,950 हटा लीजिए, 94,441। तो यानी आपकी जो एम जम्मू के अंदर जो नेट सैलरी आएगी वो आएगी 71,851 रुपए। इतनी आपकी जो आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी, नेट सैलरी, वो आएगी 71,000 रुपए, ठीक है। अगर ये टैक्स कम कटता है, अगर ये 4,500 कटता है, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा मान लीजिए, ठीक है। सेम ही वो टैक्स डिडक्शन इस एम दिल्ली वाली सैलरी में से भी होगा, और ये 20% का टैक्स डिडक्शन होगा, ठीक है। तो आपकी भी सैलरी लगभग 75 से 78,000 के आसपास में बनेगी, ठीक है। तो एम दिल्ली के अंदर जो सैलरी इन हैंड आती है वो आती है 75 से 78, और जो वाई कैटेगरी के एम्स है उसके अंदर आती है 72 से 74 हज़ार रुपये, यही ज़्यादातर रेशियो देखा जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एम्स के अंदर कितनी सैलरी बनती, ग्रोस सैलरी कितनी जाती है, और जो इन हैंड सैलरी आती है वो कितनी सैलरी आती है। तो मेरी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने कमेंट कर देना, और ये टैक्स का मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे इस टैक्स का कंफर्म नहीं पता कि कितना टैक्स कट रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास में रेफर करना। बाय एवरीवन, बाय।